का पहला सवाल है, भारत का मुकुट किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली को, बी मुंबई को, सी शिमला को, डी जम्मू कश्मीर को। आपका सही जवाब होगा डी जम्मू कश्मीर को। आपका दूसरा सवाल है, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? आपका ऑप्शन है ए मच्छर, बी कुत्ता, सी मछली, डी बिल्ली। आपका सही जवाब होगा सी मछली। आपका तीसरा सवाल है, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री को, बी उपराष्ट्रपति को, सी गृह मंत्री को, डी रक्षा मंत्री को। आपका सही जवाब होगा बी उपराष्ट्रपति को। आपका चौथा सवाल है, इन त्योहारों में से कौन सा भारत में सर्दियों के दौरान मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए बैसाखी, बी गणेश चतुर्थी, सी नाग पंचमी, डी मकर संक्रांति। आपका सही जवाब होगा डी मकर संक्रांति। आपका पांचवा सवाल है, भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य कौन है? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी दिल्ली, सी गोवा, डी गुजरात। आपका सही जवाब होगा ए महाराष्ट्र। रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है छः, किस भारतीय एथलीट को उड़नपरी के नाम से पुकारा जाता है? आपका ऑप्शन है ए हिमत दास, बी मीराबाई चानू, सी पीटी उषा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी पीटी उषा। आपका सातवां सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? आपका ऑप्शन है ए खेल क्षेत्र में, बी सिनेमा क्षेत्र से, सी पढ़ाई क्षेत्र में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा डॉट बी सिनेमा क्षेत्र से। आपका आठवां सवाल है, सबसे अधिक समय तक जीने वाला प्राणी कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए कछुआ, बी हाथी, सी ऊंट, डी मछली। आपका सही जवाब होगा ए कछुआ। आपका अगला सवाल है नौ, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से लिया गया है? आपका ऑप्शन है ए रामायण, बी महाभारत, सी संविधान, डी आनंदमठ उपन्यास। आपका सही जवाब होगा डी आनंदमठ उपन्यास। आपका दसवां सवाल है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए माउस को, बी कीबोर्ड को, सी सीपीयू को, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी सीपीयू को।